नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा लोको पायलट कैसे बने, क्या योग्यता चाहिए, किस किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे एग्जाम दे, क्या इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें और जो है वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कि लोको पायलट कैसे बने, क्या योग्यता होनी चाहिए। हमारे देश में अधिकांश छात्र रेल की जॉब करना पसंद करते हैं और इसके लिए छात्र द्वारा अधिक परिश्रम करते हैं। ट्रेन चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है। इसके लिए इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री समय समय पर भर्तियां निकालते रहती हैं, जो हम सभी जानते हैं, जिसकी सहायता से लोको पायलट पद पर नियुक्ति की जाती है। लोको पायलट को ट्रेन ड्राइवर भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, हम लोग को मालूम नहीं है कि लोको पायलट क्या होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं लोको पायलट मतलब कोई हवाई जहाज चलाने वाला हो या कुछ इस तरह से हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ट्रेन ड्राइवर होते हैं। तो ये पद रेलवे विभाग में एक सरकारी पद होता है। आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं इस बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्या योग्यता चाहिए मैं आपको बताता हूँ। लोको पायलट बनने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा 10वीं पास होना, 12वीं पास होना अनिवार्य है, या 10वीं हो या 12वीं हो, और इसके साथ साथ आपका आईटीआई या पॉलिटेक्निकल में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो आप चाहे तो 10वीं पास करने के बाद भी आप जो है आईटीआई कर सकते हैं 2 वर्ष के लिए, और या फिर पॉलिटेक्निकल कर सकते हैं 2 वर्ष के लिए। किस इसमें करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इनमें से किसी भी एक ट्रेड में आपको 2 साल का आईटीआई करना है या फिर पॉलिटेक्निकल करना है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि लोको पायलट बनना है तो इस बात को जरूर ध्यान रखें, 10वीं और 12वीं के बाद आप सीधा आईटीआई के लिए 2 वर्ष के लिए आप जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इनमें से कोई भी एक ट्रेड में आईटीआई कर लें। चिकित्सक योग्यता क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। लोको पायलट में मेडिकल योग्यता अनिवार्य है दोस्तों। मेडिकल योग्यता में आपकी आंखों का महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। आपकी आंख 6x6 होना अनिवार्य है तथा नॉर्मल आंख वाले अभ्यर्थी को इस परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। तो जो है आपकी आई साइड जो है 6/6 होनी चाहिए तथा नॉर्मल आंख वाले हो तो भी चलेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, मेडिकल के लिए आंखों जो है वो बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि जो लोको पायलट होता है उसको जो है आंखों का ही इस्तेमाल करना होता है जब वो ट्रेन चला रहा होता है। तो इस बात का जरूर जो है आप विशेष ध्यान रखिए, आंखों की साइड अच्छी होनी चाहिए। परीक्षा पाठ्यक्रम, रेलवे द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्रायः सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, तार्किक, करंट अफेयर आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायः अधिकांश प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं, इसलिए सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान पर अधिक फोकस करना आवश्यक है। तो अगर आप इसके लिए तैयारी करें तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान इस पर अपना ध्यान रखें, न्यूज़ देखते रहें, किताबें पढ़ते रहें। लिखित परीक्षा में कुल जो है 120 प्रश्न होते हैं दोस्तों,
90 मिनट का समय निर्धारित होता है और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्केटिंग का प्रावधान लागू है। इसके द्वारा एक प्रश्न का उत्तर गलत देने पर 1/4 अंक काट दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, जिस सवाल का आपको जवाब आता है बस उसी का जवाब दीजिए। अगर आपने कोई गलत जवाब दिया तो 1/4 अंक कट जाएगा। ये परीक्षा का रूल है जो बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं मालूम। बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं फटाक से 90 मिनट में जो है 120 प्रश्न का हल करके आ जाते हैं। गलत हो सही हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप सिर्फ सही क्वेश्चन जिसको जानते हैं उसको आप हल करके आएंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें पास हो जाएंगे, और अगर गलत किया तो सीधा 1/4 अंक जो है वो कट जाएगा। साइको टेस्ट में अभ्यर्थी की इंटरनल स्ट्रेंथ की जांच की जाती है, अंदर से कितना मजबूत है इस बारे में जाना जाता है। साइको टेस्ट के अंतर्गत कॉग्निटिव पर्सनैलिटी और इंटीग्रिटी टेस्ट की भी परख की जाती है। इस टेस्ट में अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर कितने जल्दी और कैसे सटीक फैसला ले सकता है इस बात का परीक्षण करने के लिए पूछा जाता है। अभ्यर्थी द्वारा निरंतर प्रयास से इस साक्षात्कार में आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। हाँ दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से की जा सकती है। साइको टेस्ट उत्तीर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को शैक्षणिक प्रपत्रों की जांच के लिए बुलाया जाता है, जहां पर आपके सारे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर, फोटो आदि की जांच की जाती है। तो दोस्तों, जब आप शैक्षणिक जो है जो डिग्री ली है उसके बाद आपको उसके लिए बुलाया जाएगा, फिर आपको दिखाना पड़ेगा जो भी है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, जो जहाँ से आपने पढ़ाई की है वो हो गया, तकनीकी योग्यता हो गई, फोटो चाहिए, हस्ताक्षर करेंगे। जांच में सही पाए जाने पर चयन प्रक्रिया को अग्रसित कर दिया जाता है। लोको पायलट का वेतन कितना होता वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। लोको पायलट के जो है जो रेल चलाने वाले उनके, तो लोको पायलट सहायक लोको पायलट की बेसिक सैलरी होती है जो है करीब जो है 8,000 से लेकर 25,000 के आसपास होती है। ग्रेड पे में जो है ये बढ़ता है, इसी इन सभी को मिलाकर लगभग जो है 30 से लेके 40,000 तक सैलरी प्राप्त होती है शुरुआती दौर पर। दोस्तों, अगर आप राजधानी एक्सप्रेस में लोको पायलट की सैलरी की बात करें तो यहाँ पे अनुभव के आधार पर बढ़ती है। सीनियर लोको पायलट का वेतन 60 से लेके 70-80-90 तक के होता है, और अगर रूट के अनुसार इनकी सैलरी जो है वो अलग अलग तय होती है, तो इसमें आप किस रूट की ट्रेन चला रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है कि किस रूट की ट्रेन चला रहे हैं। अगर आप अच्छी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजधानी या ऐसे इसकी अगर आप चला रहे हैं तो आपकी सैलरी अच्छी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये सब जो है लोको पायलट बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जो है आपको जो मैंने बताया। तो दोस्तों, अभी आप जो है लोको पायलट के लिए जो है आप अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, और हो सके तो जो है आजकल बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर हैं उनका इस्तेमाल करें। और दूसरा, ये जो रेलवे की भर्ती होती है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें कोई भी जो है रिश्वत या घुसखोरी नहीं होती है,
तो आपकी योग्यता के आधार पर ही आपको इसमें जो है जॉब मिलेगी। मेरे बहुत सारे दोस्त इसे जानने वाले हैं जिन्होंने जो है अपनी योग्यता के दम पर ही इस जो है रेलवे से संबंधित जितनी भर्तियां उसमें हाँ जो है अपनी योग्यता दिखाकर नौकरी प्राप्त की है। तो दोस्तों कभी भी जो है किसी को पैसा देकर नौकरी वोकरी के लिए जो है कि मुझे रेलवे में नौकरी लगा दो, इस तरह से बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल सरकारी संस्था है, इसमें सिर्फ आपकी योग्यता ही काम करेगी और कुछ काम नहीं करेगा। कोई भी बोलता है कि नहीं मैं करा दूंगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ आपकी योग्यता है। मेहनत से पढ़िए और मेहनत से जो मैंने गाइडलाइन दिया उसके ऊपर आधार पे आप कोई नज़दीक की अच्छी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।